पार्श्व में, मतलब पीछे जो होता है पार्श्व में ग्रंथियां होती हैं, सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसको रोड्स और कोन्स के नाम से जाना जाता है। रोड्स और कोन्स के नाम से जाना जाता है। यही रोड्स और कोन्स के द्वारा ही हमें कलर की अनुभूति होती है। अब देखो यहाँ पे हम, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि रोड्स के द्वारा हमें कौन से कलर की अनुभूति होती है और कोन्स के द्वारा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना है कि रोड्स के द्वारा कौन से कलर की अनुभूति होती है, कौन से कलर हमें दिखाई देते हैं। तो रोड्स के द्वारा हमें काले और सफेद रंग की अनुभूति होती है। अब हम बात करते हैं कोन्स की। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, जैसे कि रोड्स और कोन्स है, यहाँ पे रोड्स और कोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो कलर्ड वाले हैं, ये जो कलर्ड हैं, ये आपके, ये क्या है, ये जो कलर्ड वाले हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे हमारे कोन्स हैं। ये हमारी सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, जो रेटिना है हमारे, किसमें पार्श्व में एक, मतलब दो ग्रंथियां होती हैं, कोन्स और रोड्स। तो इसी के द्वारा हमें कलर्स की अनुभूति होती है, ठीक है।